हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट एग्जाम कंपटीशन में। दोस्तों, यूपी टेट का एडमिट कार्ड जो कि जारी हो गया है, और प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसमें पासवर्ड में डालना क्या है। तो चलिए, आपको इस वीडियो में सारी आपकी जो कन्फ्यूजन सब दूर हो जाएगी, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी आपको। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के बगल में बेल आइकन दबा लें, ताकि हमारे जो लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द पहुँच जाए। वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम देख रहे हैं कि इसका फॉर्म भरा गया था नवंबर में, और 20 नवंबर को लास्ट डेट थी। इसका एग्ज़ाम डेट जो कि 22 दिसंबर को एग्ज़ाम है इसका, जो कि 12 दिसंबर का एडमिट कार्ड आने वाला था, जो किया गया है। और चलिए दोस्तों, यही सब आप है। देखिए, आपको एडमिट कार्ड कमाते हैं, नीचे डाउनलोड एडमिट कार्ड, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने खुल गया है। तो सामने देखिए दोस्तों, ये है रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है आपको, वन टाइम पासवर्ड डालना है, और कैप्स करके लॉगिन करना है। देखिए, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका, तो आपके सब जो एडमिट कार्ड होगा, सॉरी, जो रजिस्ट्रेशन किया होगा, तो उस पर रजिस्ट्रेशन नंबर पता होगा। इसमें पासवर्ड क्या डालना है, पासवर्ड आपको वो डालना है, पासवर्ड वन टाइम पासवर्ड डालना है। वन टाइम पासवर्ड जब आप फॉर्म भरते समय आपके जीमेल अकाउंट पर एक मैसेज आया हुआ था, वही 10-11 अंक का नंबर है, कुछ अल्फ़ाबेट्स में नंबर है, आप वहाँ पर फिलअप करके और यहाँ पर अपना जो कैप्स है उसको लॉगिन करेंगे, तो आपको ये लॉगिन हो जाएगा। और दूसरा तरीका, अगर जिन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, नहीं मिला है, वो लोग भूल गए हैं, खो गया है, वो लोग क्या करें, नीचे आप आएंगे, ऑप्शन आएगा फॉरगेट पासवर्ड, ये देख रहे हैं, ये नीचे रिसेंट और फॉरगेट वन टाइम पासवर्ड, तो मतलब भूल गए हैं पासवर्ड को, क्या करना है आपको, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करके आपको फिर से वहाँ पे फॉर्म भरना पड़ेगा आपको। जैसा कि दोस्तों, आपको वहाँ पे लॉगिन करके फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने बता दें, जो आपको पासवर्ड डालना है, आपको वन फॉर्म भरते समय वन टाइम पासवर्ड आया होगा जीमेल अकाउंट पे आपके, वही 10-11 अंक का जो नंबर होगा, उस आप वहाँ फिलअप कर देंगे और अपना एडमिट कार्ड वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दे दीजिएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।